रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राहुल के शिकंजी प्लान के लोग दीवाने। ट्विटर पर आए ऐसे रिएक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वह अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में शक कर मिलाता था। उसके काम का आदर हुआ, उसे पैसा मिला और कोका कोला कंपनी बनी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने यहां भाषण में कुछ ऐसा कहा जो सोशल मीडिया को काफी पसंद आ गया। राहुल ने ओबीसी वर्ग के उत्थान को लेकर कोका कोला कंपनी का उदाहरण दिया। राहुल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला। सोशल मीडिया पर अकॉर्डिंग राहुल गांधी ट्रेंड करने लगा। राहुल का बयान क्या था? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वह अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में शक कर मिलाता था। उसके काम का आदर हुआ, उसे पैसा मिला और कोका कोला कंपनी बनी। राहुल ने आगे कहा, कोका कोला की तरह मैकडोनाल्ड कंपनी का मालिक भी कभी ढाबा चलाता था और आज दुनिया भर में उसका नाम है। भारत में आज एक भी ऐसा ढाबा वाला नहीं है जो कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकता है। सोशल मीडिया पर आए जबरदस्त रिएक्शन। राहुल का ये बयान एकदम से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने अपने अपने तर्क गढ़ना शुरू कर दिया। द लाइंग लामा नाम के एक ट्विटर हैंडल से कहा गया कि सैफ अली खान इख्तर बनने से पहले पेट्रोल पंप चलाते थे। अंकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर साझा की। इसमें लिखा गया कि चांद की ओर पहला रॉकेट लॉन्च करते नेहरू। सम्मेलन के दौरान राहुल ने आरएसएस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। गांधी ने सम्मेलन में कहा कि आज हिंदुस्तान बीजेपी और आरएसएस का गुलाम बन गया है। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले मैंने एक कहानी पढ़ी जिसमें भारत के फैशन डिजाइनरों ने फ्रांस में अपने कपड़े दिखाए। उस दौरान विदेशी डिजाइनरों ने भारतीयों को मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय बाद जब फैशन डिजाइनर से मिला तो मैंने कहा, बत और हिंदुस्तानी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा।